तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर बुध यानी मरकरी अगर आपके D9 चार्ट नवामसा चार्ट में लगन में स्थित हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। ये जो मैं इस वीडियो में आपको प्रभाव बता रहा हूँ, जो रिजल्ट बता रहा हूँ, वो आपकी मैरिज के बाद सबसे ज्यादा लागू होते हुए आपको दिखेंगे। तो आपको इनका विचार आपकी 30 या 35 की आयु के बाद ही जरूर करना चाहिए। इससे पहले ये लागू हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप इसको मैरिज से पहले देखना चाहते हैं तो आपके कुछ ना कुछ मन में इस तरह के विचार जरूर हो सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आपका जो D9 चार्ट का लगन होगा वो सबका अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से ये वेरी करेंगे। तो बुध जब भी लगन में आते हैं D9 चार्ट में, ऐसे में आप अपने जो रिश्ता होगा अपने पार्टनर के साथ, उसमें कम्युनिकेशन को, बातचीत को, तर्क वितर्क को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और आप अपने पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा उनके साथ बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता इम्प्रूव होगा। इसी प्रकार से आप ये अपना रिश्ता, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके माध्यम से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कई कई बार बुध के लगन में होने से आपके तर्क वितर्क भी होंगे, लेकिन वो होना भी जरूरी है और आप उस तर्क वितर्क के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैरिज को आप एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप पार्टनरशिप करें। ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो खुद कोई आपकी मैरिज के बाद बिजनेस चालू करे, या ऐसा हो सकता है आप कोई नई शुरुआत करेंगे, हो सकता है आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस चालू करें मैरिज के बाद। अब बुध अगर लगन में है तो आपका व्यवहार और आपके जीवन साथी का, दोनों का ही व्यवहार आपस में मजाकिया हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने रिश्ते का एक बेहतर आनंद ले सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, और आप थोड़े हंसी मजाकिया टाइप के पहले से ही हो सकते हैं। अब जब लगन में बुध है तो आप हमेशा कोई भी बात लॉजिक के बेस पे बोलेंगे, आप फालतू की बातें नहीं बोलेंगे, और जो भी बात बोलेंगे आपकी हमेशा लॉजिक के आधार पर होगी और बात सही होगी। हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको खुद को मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा बोलने की आदत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर राशि कौन सी है। अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका जीवन साथी या आप कोई टीचिंग के क्षेत्र में पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पार्टनरशिप कर सकते हो, और आपका माइंड काफ़ी तेजी से काम करेगा, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा आपका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है, आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी यंग दिखेगा और हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा यंग दिखें। इसी प्रकार से आप अपनी मैरिज को बहुत इजी गोइंग वे में लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लेंगे, और वो एक्चुअल में वैसा लगेगा नहीं जैसे आपकी कोई मैरिज हो, क्योंकि एक तरह से आपका ये वो बंधन होगा जिसमें आप कोई ना कोई पार्टनरशिप के थ्रू बंधेंगे अपने जीवन साथी के साथ, और आप इसको एक करार भी कह सकते हैं, आप इसको एक समझौता भी कह सकते हैं। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है जब भी बुध लगन में आते हैं, ऐसे में अपने पार्टनर के साथ अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनर के साथ शादी के बाद, तो वो बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। आप एक बिजनेसमैन के रूप में फेमस हो सकते हैं, आप कोई टीचिंग के फील्ड में करियर बनाकर फेमस हो सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। और ये जो बुध होंगे वो आपके पूरे शरीर पर, आपकी पूरी बॉडी पर भी असर डालेंगे। ऐसे में जो बच्चों वाला व्यवहार है, जो बच्चों वाला सा वातावरण है, व्यवहार है, आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा। आपकी मैरिज में आपकी जो अप्रोच है शादी के बाद वो काफ़ी फन लविंग होगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़े ऐसे बिजनेस वाले घराने से हो सकता है। ज़्यादातर बुध के लगन में होने की वजह से कोई ऐसा ही बिजनेस होने की संभावना रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का काम होता है। अगर कोई ऐसा बिजनेस ना हो तो फिर हो सकता है कोई धन के लेन देन से संबंधित काम, कोई बाइंग सेलिंग का काम, और आपका पार्टनर और आप दोनों में ही जो एक बिजनेसमैन में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसके आदतें होनी चाहिए, उसी प्रकार की आदतें होंगी। अब बुध जब लगन में आते हैं तो आप किसी दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ही ज़्यादातर बात करेंगे, किसी के साथ कोई फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो बुध की जो लगन में स्थिति बनती है D9 चार्ट में, वो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं।